हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए पांच सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में ये आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका पहला जो आपका अभिक्रिया है, ये आपका है स्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? स्मिट अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, स्मिट अभिक्रिया क्या होता है कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया, तो देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है फ्रेंड्स CH3COOH होता है। और देखिए एसिटिक अम्ल का जो IUPAC नेम होता है, ये आपका देखिए एक दो दो कार्बन है तो मेथेनोइक। देखिए फ्रेंड्स, दो कार्बन है, दो कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो एथेनोइक अम्ल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, तो हाइड्रोजोइक अम्ल क्या होता है फ्रेंड्स? N3H होता है। ठीक है, तो देखिए जब हम हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो देखिए क्या प्राप्त होता है, तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप अभिक्रियाएं तभी कर सकते हैं जब आपको केमिकल फार्मूला पता हो। जैसे मैं एसिटिक अम्ल यहाँ पर जो आपका दिया है एसिटिक अम्ल CH3COOH, यदि इसका यदि आपको सूत्र नहीं मालूम रहेगा तो आप इस अभिक्रिया को नहीं कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो रिएक्शन जो हुआ है कि एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से जब कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। अब देखिए फ्रेंड्स कि मेथिल एमीन क्या होता है, तो मेथिल एमीन का सूत्र होता है CH3NH2 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन कितना दिया है? तीन नाइट्रोजन दिया है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा दिए हैं, तो और कितना नाइट्रोजन बना बचा है? दो नाइट्रोजन बचा हुआ है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, CH3 और NH2 यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से लगा दिए हैं, तो CH3NH2 हो गया है। और यहाँ पे जो आपका COO बचा हुआ है तो प्लस में CO2 प्राप्त हो जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाता है। और जो आपका यहाँ से प्लस में N2 नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका अभिक्रिया हुआ है एसिटिक अम्ल की क्रिया, जब हम यहाँ पे हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में नाइट्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स स्मिट अभिक्रिया होता है। क्या होता है? स्मिट अभिक्रिया होता है। तो आई होप कि आपको स्मिट अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि इसके आगे जो आपका अगला जो आपका अभिक्रिया है वो आपका कौन सा है। देखिए फ्रेंड, जो आपका दूसरा अभिक्रिया है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है कि निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड यानी कि AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है। टॉलुइन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए आपका क्या होता है कि ये आपका हो गया, देखिए बेंजीन हो गया, और बेंजीन पर जब हम CH3 समूह को लगा देते हैं तो ये आपका टॉलुइन होता है। क्या होता है? टॉलुइन होता है। इसको हम लिख सकते हैं C6H5CH3, तो ये आपका टॉलुइन होता है। तो यहाँ पर आपका बोल रहा है कि देखिए निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराने पर टॉलुइन बनता है, तो इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पे अभिक्रिया हुआ है फ्रेंड्स की, देखिए यहाँ पे ये यह आपका क्या है? बेंजीन है, यानी कि बेंजीन की अभिक्रिया बोल रहा है। तो C6H6 होता है आपका बेंजीन। इसको जब हम यहाँ पे देखिए, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया फ्रेंड्स बेंजीन हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन को लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे बेंजीन से CH3Cl यानी कि मेथिल क्लोराइड की उपस्थिति में, तो यहाँ से आपका बनता है फ्रेंड्स CH3 बनता है। क्या बनाता है फ्रेंड्स? CH3 बनाता है। और उसके बाद जो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रहता है, ये आपका HCl से यहाँ पर देखिए जो Cl होता है HCl बना लेता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेथिल क्लोराइड CH3Cl होता है। ठीक है, और किसके उपस्थिति में? तो AlCl3 यानी कि एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में। तो यहाँ से आपका देखिए फ्रेंड्स, ये आपका Cl क्या होता है? माइनस होता है, और ये आपका हाइड्रोजन प्लस होता है, तो आपका HCl बना लेगा। और जो बाकी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे CH3 जो समूह है यहाँ पे लग जाएगा मेथिल समूह, तो ये आपका टॉलुइन और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, जब देखिए बेंजीन को मेथिल क्लोराइड की साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो टॉलुइन प्राप्त होता है। तो यही आपकी अभिक्रिया जो होता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। अब चलिए देखते हैं तीसरा रिएक्शन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका तीसरा अभिक्रिया है कि कैनिजारो अभिक्रिया। देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो देखिए क्या होता है कैनिजारो अभिक्रिया? फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम, तो देखिए यहाँ बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ
कराने पर मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो जो यही अभिक्रिया होती है वो आपकी गैनिजारो अभिक्रिया होती है, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO होता है, इसमें आपका एल्डिहाइड समूह होता है CHO। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका यदि आपका IUPAC नेम पूछेगा तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या होता है, एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, मेथ, और एल्डिहाइड में क्या लगता है, अल लगता है। जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, तो CHO में हम लगाते हैं अल लगाते हैं, क्या लगाते हैं, अल। तो आपका यहाँ से आपका हो जाएगा मेथेनॉल। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है। देखिए जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है, क्या बनता है यहाँ पे, मेथिल एल्कोहल प्लस में सोडियम फॉर्मेट बनता है। यानी कि देखिए मेथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3OH, यानी कि आपका OH समूह लगेगा और CH3 बोलते हैं मेथिल, अब प्लस में सोडियम फॉर्मेट, यानी कि सोडियम फॉर्मेट बोल रहा है तो आपका HCONO होता है, क्या होता है, HCONO। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपका फॉर्मेट बोल रहा है ना, सोडियम फॉर्मेट, तो आपका सूत्र हो जाएगा HCONO हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जो आपका कैनिजारो अभिक्रिया होता है, कैनिजारो अभिक्रिया कि फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर मेथिल एल्कोहल तथा सोडियम फॉर्मेट बनता है, तो यही आपकी अभिक्रिया जो होती है कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला जो आपका रिएक्शन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आपका दिया है कि राइमर टीमन अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कि यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया। तो देखिए जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म, क्या बोल रहा है कि जब फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, तो इसी अभिक्रिया को हम राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड जो आपका अभिक्रिया जो हुआ है ये आपका क्या है, फिनॉल है, यानी कि फिनॉल क्या होता है फ्रेंड, C6H5OH होता है। बेंजीन रिंग जो होता है, देखिए बेंजीन जो रिंग होता है फ्रेंड्स, बेंजीन रिंग ये आप इस पे जब हम OH समूह को लगा देते हैं तो ये आपका क्या बनता है फ्रेंड्स, ये आपका बनाता है फ्रेंड्स फिनॉल बनाता है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया OH समूह तो फिनॉल, और प्लस में CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 3NaOH जब इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए क्या बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी कि ये आपका OH समूह आपका जैसा है वैसे ही रहेगा, और यहाँ से आपका CH और इसका O यहाँ पे आपका लग जाएगा यहाँ पे, तो CHO बनाएगा, तो प्लस में 3NaCl, यानी कि 3 यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर सोडियम और 3 क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, अब प्लस में जल के अणु बाहर हो जाएंगे, तो ये आपका होता है सैलिसिल एल्डिहाइड होता है, क्या होता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला जो आपका अभिक्रिया है, ये आपका अभिक्रिया है फ्रेंड्स की ऊर्ज अभिक्रिया। देखिए ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखिए जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। देखिए एल्किल हैलाइड क्या होते हैं फ्रेंड्स, देखिए R-X होते हैं एल्किल हैलाइड, R क्या होता है, तो ये आपका होता है CH3 मेथिल समूह, एथिल समूह और प्रोपिल समूह। यहाँ पर देखिए यहाँ पे एक कार्बन है तो इसका दोगुना करके एक ऐड कर दीजिए, तो 3 आ रहा है, 2 है तो 2 का दोगुना कीजिए 4, इसमें एक ऐड कर दीजिए, यहाँ पर 3 है तो 3 का दोगुना कीजिए 6, इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो आपका प्रोपिल होता है, आपका एथिल होता है, आपका मेथिल होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जब एल्किल हैलाइड के दो अणु को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यानी कि RX अब प्लस में RX, ठीक है, दो अणु को यहाँ पर बोल रहा है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, यानी कि 2Na के साथ जब हम इसको मिक्स यहाँ पर जब इसको गर्म करेंगे तो आपका क्या बनता है, एल्केन प्राप्त होता है, यानी कि R सिंगल बॉन्ड R प्लस में 2NaX प्राप्त होता है। अब देखिए X क्या होता है, तो X आपका होता है फ्लोरीन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है, यहाँ पर क्या होता है X, यानी कि हाइलाइड समूह होते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे RX और प्लस में 2Na प्लस में RX और शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब इसको हम गर्म करते हैं तो आपका एल्केन प्राप्त होता है, R सिंगल बॉन्ड और प्लस में 2NaX। अब देखिए फ्रेंड्स R के जवाब हम लिख सकते हैं CH3 और X आपका क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो क्लोरीन को लिया गया है और प्लस में सोडियम के दो अणु, और यहाँ पे RX के जवाब R के जवाब पर CH3, X के जवाब पर Cl, जब इसको गर्म करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो आपको एल्केन प्राप्त होगा। देखिए एल्केन में आपका क्या प्राप्त होता है, तो मेथ एथेन प्राप्त होता है, और उसके बाद से आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि 2NaCl प्राप्त हो जाता है। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स ऊर्ज अभिक्रिया होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, ऊर्ज अभिक्रिया होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को बताए हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल ये पूछे जाते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।